बीपीएल 2023 के सातवें महामुकाबले को लेकर मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम में हुई पूरी तरह से तैयार। इन दमदार खिलाड़ियों को मिला टीमों में मौका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच बीपीएल 2023 का सातवां मुकाबला मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमें पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम में भी कई शानदार खिलाड़ियों को मौका मिला है, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरती हुई दिखेगी। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर दोनों ही टीमों की, तो अब तक दोनों ही टीमें अपना एक भी मुकाबला नहीं गवाया है। अब तक दोनों ही टीमों का परफॉर्मेंस बीपीएल 2023 में काफी शानदार देखने को मिला है। और अब बीपीएल 2023 के सातवें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स की चुनौती रहने वाली है। दोनों टीमें टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है। मुंबई ने जहाँ बेंगलोर और गुजरात को हराया है, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी यूपी और बेंगलुरु पर जीत हासिल करी है। तो ऐसे में यहाँ पर इस मुकाबले में भी काफी शानदार खिलाड़ियों के साथ टीमें मैदान पर उतरेगी। जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग करेगी, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है। जहाँ पर पिछले दिन खत्म हुए विमेन्स T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में भी यह दोनों कप्तान आमने सामने भिड़ी थी, तब कौर की कप्तानी में भारत को हार मिली थी। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि बीपीएल की दो टॉप टू टीमों के बीच यह मुकाबला कैसे रहेगा। वैसे यहाँ पर देखें तो दोनों ही टीमें अब तक बीपीएल की सबसे खतरनाक टीमें भी शामिल हुई है। हम बात करें यहाँ पर मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी मजबूती की, तो इस टीम की सबसे बड़ी मजबूती है इस टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी। जहाँ पर मुंबई इंडियंस ने ऑलराउंडर खिलाड़ियों से अपनी टीम तैयार की है, सभी बीपीएल शानदार खेल दिखा रही है। ऐसे में यहाँ पर मुंबई में अपने पहले मैच में गुजरात को 143 रनों से हराया था, तो वहीं पर दूसरे मैच में मंदाना को आरसीबी की एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से शिकस्त दी थी। तो ऐसे में यहाँ पर बर्बोन स्टेडियम में आरसीबी ने मुंबई को 156 रनों का टारगेट दिया था, जो कि मुंबई ने एक विकेट खोकर मात्र 14.2 ओवर में ही जीत हासिल कर ली। दोनों ही मुकाबलों में मुंबई इंडियंस की टीम ने एक तरफा अंदाज से जीत दर्ज करी है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की टीम की हम बात करें, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम की सबसे बड़ी मजबूती है इस टीम के ओपनर बल्लेबाज। दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी मुंबई की तरह टूर्नामेंट में काफ़ी मजबूती दिखा रही है। दिल्ली ने भी अब तक शुरुआती दो मैचों में शानदार जीत दर्ज करी है। लेनिंग की अगुवाई में दिल्ली की शानदार लीडर मिली है। साथ ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई कप्तान खुद ओपनिंग करती हैं, उन्होंने दोनों मैचों में 50 जमाई है। उनके साथ ही शेफाली भी पहले ओवर में विस्फोट बैटिंग करती हुई दिखी है। इनके दम पर दिल्ली ने दोनों मैचों में पहले बल्लेबाजी करते हुए 200+ रनों का टारगेट भी खड़ा किया था। निचले क्रम में टीम में जेमी मारियन कैप, एलिक्स कैप्सी, जेस जोनानसन, साथ ही यहाँ पर पावर हीटर जैसे खतरनाक गेंदबाज भी टीम में शामिल है। टीम ने तारा नोरिस, राधा यादव, जोनानसन, कैप्सी, शिखा पांडे जैसी गेंदबाज भी टीम के साथ शानदार विकेट दिला रही है। तो ऐसे में इन खिलाड़ियों के ऊपर शानदार नजरें रहने वाली है। इसके साथ ही हम बात करें यहाँ पर इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें किन खिलाड़ियों पर रह सकती है, तो यहाँ पर मुंबई से हरमनप्रीत कौर, हेली मैथ्यूज, नेटली सिवर, अमिलिया केर, साइका इसिका पर नजरें रहेगी। तो वहीं पर बेंगलुरु की कप्तान मेग लेनिंग, शेफाली वर्मा, मारियन कैप, जेमिमा रोड्रिग्ज, एलिस कैप्सी, जेस जोनानसन और तारा नेरिस कमाल कर सकती है। वहीं पर इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की हम बात करें, तो यहाँ पर बर्बोन स्टेडियम की तरफ से डीवाई पाटिल स्टेडियम की पिच भी हाई स्कोरिंग है। मुंबई और दिल्ली दोनों टीमें यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए 200+ रनों का टारगेट खड़ा कर चुकी है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग कर बोल्ड का बड़ा स्कोर बनाने का फोकस करना चाहेगी। ऐसे में हम बात करें यहाँ पर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम की कप्तान मेग लेनिंग है, तो इस टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज तानिया पाटिया है। तो इसके अलावा शेफाली वर्मा, मोरियन कैप, जेमिमा रोड्रिग्ज, एलिस कैप्सी, जेस जोनानसन, इसके साथ ही अरुदंती रेड्डी, शिखा पांडे, राधा यादव और तारा नोरिस टीम में शामिल है। तो वहीं पर मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। तो इसके अलावा यहां पर ओपनर बल्लेबाज के साथ साथ ही विकेट कीपर बल्लेबाज की भूमिका यासिका भाटिया निभाती हुई दिखेगी। तो वहीं पर इसके अलावा हेली मैथ्यूज, नेटली सिवर, ब्रांट, अमिलिया केर, साथ ही साथ हुमायरा काजी, पूजा वास्त्रुकार, इजाबेल वॉन्ग्स, अमनजोत कौर, जीति मनी कलिता और साइका इसिका को टीम में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ ही अब हम बात करें इस मुकाबले के शुरू होने के समय की, तो यह मुकाबला शुरू होगा
आज भारतीय समयानुसार शाम के 7:30 पर, जिसे आप लाइव देख पाएंगे जियो सिनेमा पर।